अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका? ठीक है दोस्तों, आप ये देख सकते हैं आज हम एक नई लोकेशन पे आए हैं और प्रोस्पेक्टिंग के लिए। ये काबुल दरिया का ऊपर वाला एरिया है और काफ़ी बेस्ट एरिया है। हमने यहाँ पर सैंपल किए हैं, टेस्ट किए हैं, पैन किए हैं और हमें अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो आज एक स्पेशल चीज़ है आपको मैं बता दूँ, आज हमारे पास हमारे साथ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान की टीम है और जियोलॉजिस्ट हैं और ये सीखने के लिए आए हैं, मेरे साथ काम करने के लिए आए हैं और इनको मैं सिखाने जा रहा हूँ। और आप ये देख सकते हैं, ये इनकी गाड़ी है, गवर्नमेंट गाड़ी है इनकी, और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान के जियोलॉजिस्ट मेरे साथ आए हैं काम करने के लिए। ये यहाँ से सैंपल कलेक्ट करते हैं, बाकी जितने भी मिनरल्स हैं, बाकी मिनरल्स पर भी काम करते हैं, ऑलरेडी गोल्ड पर भी काम कर रहे हैं, लिथियम पर काम कर रहे हैं, पेरोडियम पे काम कर रहे हैं, प्लेडियम पे काम कर रहे हैं, जितने भी मिनरल्स हैं उन पे काम कर रहे हैं। तो आज हम लोग आए हैं सैम्पलिंग के लिए। आप ये देख सकते हैं, यहाँ एक टैंकर लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये वर्कआउट हो रहा है। अभी हमने स्टार्ट किया है, मैक्सिमम 10 मिनट हो चुके हैं काम को और रिजल्ट्स का अच्छे हैं काफ़ी। और ये मेरे दोस्त हैं, इनका हाई टैंकर लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, एक प्राइवेट हाई बैंकर है और एक गवर्नमेंट लेवल का हाई बैंकर है, तो दो हाई बैंकर लगाए हुए हैं हमने। ये आप देख सकते हैं सैम्पलिंग की जा रही है, तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं, ये देखें। और इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि प्लाट बनाए हुए हमने, ये प्लाट बना के काम कर रहे हैं। देखें मैक्सिमम 1 फुट तक जो भी मिक्सर होता है हम उसे रिकवर करते हैं, उसे हाई बैंकर में डालते हैं और उसमें से गोल्ड निकालते हैं। अभी देख सकते हैं, ये मिक्सर हमने जमा किया हुआ है, ये इस साइड भी थोड़ा सा जमा है, ये आप देख सकते हैं इस साइड पे। और काम आज थोड़ा सा लेट काम किया है शुरू, लेकिन ये है कि हम लोग ऑलरेडी सैम्पलिंग के लिए आए हैं, हम लोग रिकवरीज के लिए नहीं आए। तो डेफिनेटली सैम्पलिंग के लिए अगर हमें 2-3 घंटे या 4 घंटे का भी काम मिलता है तो भी बेस्ट है हमारे लिए। तो आज हम लोग सिर्फ सैम्पलिंग के लिए आए हैं, आप देख सकते हैं। अच्छा, पानी का प्रेशर थोड़ा सा कम है, लेकिन इस हिसाब से फिर मैंने इनको कहा है कि आप जितना भी रिफल्स जो मैंने एक हटा दी है, ये वाली रिफल जो आप देख रहे हैं ये वाली मैंने ऊपर कर दी है। अब ये जब मैट्स हम लोग को साफ़ करेंगे तो फिर वो सेकंड रिफल भी उतार दूंगा, क्योंकि पानी का प्रेशर कम है। तो इंशाल्लाह मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट डिटेल भी बताऊंगा। और ये आप हाई बैंकर देख सकते हैं, और ये आपको दिखा सकता हूँ मैं, ये वर्सिक का एरिया है और दरिया काबुल है, और मैक्सिमम यहाँ से आप आगे जाएंगे 2-2.5 किलोमीटर आगे तो वर्सिक डैम आ जाता है, ठीक है। तो ये ख़ास वो एरिया है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको रिज़ल्ट नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान की टीम अपने साथ कंप्लीट सारे रिजल्ट्स अपने साथ ले गई थी। दरिया काबुल में जिन दोस्तों ने पहले काम किए हैं मैं आपको वो शेयर कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है वहीद भाई, ठीक ठाक खैरियत है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, ये दरिया काबुल का रिज़ल्ट है। आपने कहा था कि रिज़ल्ट हमें भेजें, ये आधा ग्राम निकल आया है, आधा ग्राम, ये अपर दरिया काबुल में हमारा जो दरिया है उसमें ये निकल आया है।